यहाँ पे चुका। रब ने ये टेस्ट ये सीखा, ये नमाज का चुनाव किया कि कभी दूर नहीं है करीब की बात। यार करीब नहीं हो तो हर वक्त हमारे पास है, इसलिए काल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसलिए लफ्ज जो कैरी डेटर वो क्या है काल, और दूसरी आगे जो बात है वो आया जा आ यकीन। जा हमारा मतलब आना, भाई लुगत के अंदर जा का माना क्या है आना। अब आना और है और बनाना और है। तवज्जो ये बड़ी लतीफ उसूल है और मैंने सुनी नहीं है। आप जा आप लोग सुनिए, आप सब पे दस्त डालिए अल्लाह, और ये है जा आदि तवज्जो आप से सबसे सुनिए। अब यहां पर क्या लफ्ज आया जा आ, जा का मतलब है आया। आना और है बनाना और है। तवज्जो जाना और है बनाना और है। आया वो है जो पहले बना हुआ है, आया वो है जो बना हुआ है। आपने कहा ज़ैद आया, इसका मतलब है ज़ैद दुनिया में पहले था फिर आया। फिर आया ना, आने के लिए पहले वो बंदा दुनिया में आएगा तो फिर उसके बाद होगा। अब यहाँ पर ये भी कहा बनाया, बनाने में मटीरियल भी चाहिए, बनाने में सारा वक्त चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं कहा खत जा अला, हमने बनाया। बनाया तो तब भी था जब आदम भी बनाया, तो तब था जब आदम ने सलाम का भी अमीर भी तैयार नहीं था। अभी आदम ने सलाम का भी अमीर भी तैयार नहीं हुआ, और मैं तो उस वक्त भी नहीं था। तो अब नबी तो हजूर ने सलाम उस वक्त भी है। इसलिए यहाँ पर यह कब कहा गया है कि बनाया, बनाने की बात नहीं हो रही। बनाया तो तब जब जमाना भी नहीं था, जब हाल भी नहीं था, मुस्तकबिल भी नहीं था, जब वक्त भी नहीं था, जब हाल भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ अल्लाह सुभान अल्लाह मौलाना बोले मौलाकारी फरमाते हैं हमारी दुनिया में जब कुछ नहीं था, जब जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, शजर भी नहीं था, मौलादार भी नहीं थी, रखा कहा। जब कुछ था ही नहीं तो फिर रखा कहा। बताया जब कुछ नहीं था तो वो तो था ना, वो बंदा तो था ना जिधर वो थे उधर अल्लाह था, उधर ही मोहब्बत। जहाँ थे अल्लाह तो था ना, जिधर थे अल्लाह उधर, जिधर अल्लाह उधर ही मोहब्बत। तो फिर कहाँ रखा? अल्लाह ने मोहब्बत को अपनी कुर्बत में रखा है। अल्लाह ने शजर नहीं थी, नबातात नहीं था, तो फिर मुस्तक़ा को कहाँ रखा? अरे कहाँ कहाँ ये जमीन नहीं थी, शजर नहीं थी, नबातात नहीं था, कुछ भी नहीं था। अल्लाह तो था, जहाँ अल्लाह वहीं पर मोहब्बत। जहाँ अल्लाह तो है ना, अल्लाह के लिए था का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन था का मतलब है आज नहीं। अल्लाह है और था से पाक है क्योंकि ज़माना। तो अल्लाह तो मौजूद है, जहाँ पर अल्लाह वहीं पर मोहब्बत। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अपनी कुर्बत में रखा, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अपनी कुर्बत में रखा। जा रवाना बनाया नहीं, मैं मैंने भेजा। मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। मिन अल्लाह की अपनी तरफ से, मिन अल्लाह की अल्लाह की तरफ से। आगे क्या है? आगे आया नूर किताबुल मबीन। यहाँ पर लफ्ज़ नूर भी आया और किताब भी आया। यहाँ पर लफ्ज़ क्या आया? नूर व किताब, नूर और किताब। अब यहाँ पर लफ्ज़ क्या है? नूर और किताब। अब नूर और है, किताब और है। और का ताल्लुक क्या होता है? कराची और पिंडी, कराची और पिंडी, कराची और है, पिंडी और है, मलेशिया और लंदन, लंदन और है, मलेशिया और है, और है अफगानिस्तान और है। ज़ैद और उमर आया, ज़ैद ज़ैद और उमर उमर है। जो ज़ैद और उमर है, जो उमर है वो ज़ैद नहीं, ज़ैद और है उमर और है। ज़ैद का ताल्लुक उमर के साथ तो है आने में, लेकिन ज़ैद और है उमर और है। तो यहाँ पर कहा आया माशाल्लाह कुरान मजीद, क्योंकि वाओ आती ये फलसफा बताने का कायदा दुनिया बताने का मकसद क्या है कि दो लफ्ज आते हैं बनाने के लिए, वाओ आती तो नूर से बरात हो रहे, नूर हो रहे किताब हो रहे, तो नूर से बरात पूरे मुस्तफा, किताब से बरात कुरान मजीद। तो फिर क्या पता हुआ कि कुरान को जो पढ़े, कुरान को पढ़े, लेकिन अगर नूर मुस्तफा के बगैर पढ़े तो फिर वो गुमराह हो जाएगा, तो नूर मुस्तफा के साथ पढ़े तो फिर वो बिदात पढ़ेगा, गुमराह होगा। जो नूरे मुस्तफा के साथ पढ़ेगा, जो नूरे मुस्तफा के साथ पढ़ेगा वो बाबा फरीद रहमतुल्लाही अलैह बन जाएगा, और जो नूरे मुस्तफा के बगैर पढ़ेगा वो क्या बन जाएगा, मिर्जा कादिरी बन जाएगा, मिर्जा कादिरी बन जाएगा, मिर्जा कादिरी बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, जो नूरे मुस्तफा के साथ पढ़ेगा वही राज पर आएगा, और जो नूरे मुस्तफा के बगैर पढ़ेगा, तो जो नूरे मुस्तफा के बगैर पढ़ेगा क्या हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। तो अबू से रात पूरे मुस्तफा आलमी जामी रजी अल्लाह तआला आलमी जामी अनजाबरी रजी अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनजाबरी अनजाबरी और रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पर जाबर रजी अल्लाह तआला वाले क्या बताते हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من بلغ مني أول सबसे पहले अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। हदीस है, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, फिर उस नूर की किस्में हैं, उस नूर से आसमान बनाया, उस नूर से आसमान बनाया, उस नूर से ज़मीन बनाया, उसी से कलम बनाया, उसी से लौ बनाया, उसी से लौ बनाया, उसी से कलम बनाई, उसी से सूरज बनाया, उसी से चाँद बनाया। ये सारा जो नूर है ये फकत और नूर की नूर से बना। आसमान पे जो नूर है वो नूर मुस्तफा की खराब है, चाँद पे जो है वो नूर मुस्तफा की है, ये दिल को जो चाँद मिला है ये नूर मुस्तफा की खराब है, गोया सब जो मिला है नूर मुस्तफा की वजह से मिला है। ये सारा कुछ हजूर अलैहिस्सलाम की जात का, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अब इसकी क्या वजह, अल्लाह ने नूर के नूर को सबसे पहले पैदा किया, इसमें वजह हिकमत क्या है, इसमें क्या हिकमत है, ये फलसफा क्या है कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर के नूर को पैदा क्यों किया। अच्छा, इसकी वजूहात है, मैंने नहीं मवाहिब की दुनिया के तस्वीर कर ली, वो फरमाते हैं अल्लाह ने नूर के नूर को सबसे पहले इसलिए पैदा किया, ज़मीन था कोई नहीं, आसमान कोई था नहीं। ये बात आपको लुत्फ है अगर आप समझें तो वो ये बात, ये जो मेरी बातें है ना, मैंने कहा कि मेरी बातें मोहब्बत के लिए, जो मोहब्बत वाले होते हैं उनके लिए फूल है, जो गुस्ताख है मुनकिरीन है उनके लिए जहर के टीके, जो से नबी से रखते हैं उनके लिए ये जहर के टीके होते हैं ना। जो उनसे उनकी मोहब्बत वाली बातें, इश्क वाली बातें उसे बर्दाश्त नहीं होती वो। अच्छा, आप क्या कहते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले रूह के नूर को पैदा क्यों किया, इसकी वजह क्या, जमीन की नहीं, आसमान की नहीं, शजर की नहीं, नबातात की नहीं, कुछ भी नहीं, अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा के नूर को पैदा किया। फरमाया अगर जमीन बनाया होता तो जमीन की तरफ देखते, अगर आसमान बनाया होता तो आसमान की तरफ देखते, अगर शजर बनाया होता तो शजर की तरफ देखते। वरना प्यारे अभी मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। अगर जहरी बात है आपके कमरे में इतनी ज़्यादा चीज़ें हों तो आपकी तवज्जो कभी किसी चीज़ की तरफ जाएगी, कभी टेबल की तरफ जाएगी, कभी कुर्सी की तरफ जाएगी, कभी कलम की तरफ जाएगी। क्या मतलब, कमरे में जब काफ़ी चीज़ें हो तो आपकी नज़र कभी किधर कभी किधर कभी किधर, कभी खिड़की पर कभी खिड़की पे। अगर ये कहाँ से कहाँ किधर किधर जाए, क्या मतलब, आंखें घूमेगी, आंखें घूमेगी, मंजर देखेगी। लेकिन अब प्यार प्यारे कुछ बनाया ही नहीं, जब कुछ बनाया नहीं तो तकना किसे, तो कुछ भी नहीं बनाया, जमीन नहीं बनाया कि सब निगाह जमीन की तरफ जाए, आसमान नहीं बनाया कि आसमान की तरफ निगाह जाए, वरना कभी कुछ भी नहीं बनाया, वरना कुछ नहीं बनाया, वरना तू है और मैंने बोला बनाया क्यों नहीं, पर मैं इसलिए नहीं बनाया, अगर बनाया होता तो नजर कहीं और जाती। प्यारे मैंने जमीन अभी सिर्फ तुझे और तुझे अपने नूर से इसलिए बनाया कि अभी कोई और शय नहीं बनाई। मतलब क्या है, हमारे मुझे देख पर मैं कोई और शहर तो बना ही नहीं। प्यारे तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं, जमीन बनाए नहीं प्यारे, जमीन की तरफ क्या देखना, जमीन बनाई नहीं, आसमान बनाए नहीं, आसमान की तरफ क्या देखना, वरना अभी कुछ नहीं बनाया, सब अल्लाह मोहब्बत है, वरना तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। तो इसमें क्या वजह हुई कि मतलब क्या है हजरत की जात बात है, मगर हजरत की जात बात है। और हजरत आमना नसीता तरफ फरमाती कि जब हजरत की जात का अल्लाह ने फरमाया हारा मिनी फरमाया मेरे जिस्म से दूर निकला और ऐसा दूर निकला कि मैंने मिस्र और शाम के महल्लात में मिस्र और शाम के महल्लात में देखे वो काबा बताते कि आप हज़रत यूसुफ़ ऐसा था कि ज़ुलैखा ने देखा शैता हो गई, फ़दा हो गई, मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और हत्ता की उंगलियां भी काट दी, एहसास करना उंगलियां भी कट चुकी हैं, तवज्जो उंगलियां भी कट चुकी हैं, एहसास तक नहीं। अब वो जो उंगलियां कटने के बाद वो मामला हुआ उस कुरान में किस तरह उस वाक़े को बयान किया, वहाँ पे नज़र माँ हाज़ा बशर और बास में आयत में बा खबर पर बा दाखिल करके लिया है, माँ हाज़ा भी बशर लिया है, माँ हाज़ा बशर। अब यहाँ पर जो माँ है माँ नाफिया है, समझो यहाँ पर जो माँ है माँ नाफिया है, मतलब क्या हुआ ये बशर नहीं है, माँ मुशाबा वाला हिस्सा हाजा माँ मुशाबा वाला हिस्सा का हिस्सा बाशर और माँ मुशाबा वाला हिस्सा की खबर मुशाबा वाला हिस्सा का हिस्सा और अपनी खबर से जुमला इसमें खबरिया में हो गया, माना नबी का देता है कि ये बशर नहीं है। तो बच्चों अब ये जो कहा कि ये बशर नहीं है, हालांकि बशर तो हैं, ये जो कहा कि ये बशर नहीं है, यूसुफ ने सलाम को जब देखा उंगलियां कट गई तो उस वक्त उनके क्या लफाज थे कि ये बशर नहीं है। बशर जिस ये बॉडी को कहते हैं, तो ये जिस्म बॉडी को कहते हैं, हाथ पाँव ये पूरा जिस्म ये आपका बॉडी है। अब हालांकि बशर है लेकिन बशर होने के बावजूद कहा कि बशर नहीं है, वो कहा हालांकि बशर होने के बावजूद फिर भी बशर की नफी की क्या, इसलिए कि ज़ुलैखा ने यूसुफ ने इस्लाम की असल झलक देख ली थी और वापस बोला नहीं बनाते कि जो असल झलक देख ली, असल झलक देखने के बाद उनके जबानों पर यह नहीं था कि ये बशर है। तो जो मकामे रिसालत को देख रहे, मकामे मुस्तफा को देख रहे, फिर उनकी आवाज़ नहीं होती कि हम हमारी फिर तो वो कहते हैं सबसे आला और सबसे वाला, आला हजरत की बोली में सबसे आला और सबसे वाला हमारा अपने मौला का प्यारा हमारा नबी सबसे आला वो है हुजूर की जात बात। नबी तो सारे आला है लेकिन हुजूर की बात तो फिर सबसे आला है, कोई इमाम नबिया सबसे आला जात, सारे अंबियाओं के सरदार को हजूर शाहजान के जाने वाले ये बात आगे बढ़वा रहे क्या फरमाते कि हजरत आयशा फरमाती है कि आका ज़ुलैखा ने और औरतों ने अपना आप का चेहरा देखा, इतनी जरूर के उंगलियां कट चुकी हैं लेकिन आज तक ऐसा वाक़या नहीं है किसी सहाबी ने आपका दीदार किया हो और उंगलियां कटी हो। ये सवाल अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, सवाल भी बड़ा कामरे हो रहा है, बताया कि आपका हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटवाई और आज करीबा कि उमर के सदीक ने आपके दीदार पर उंगलियां कटाई, उमर फारूक ने आपके दीदार पर उंगलियां कटाई, आपके साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ, आप तो इमाम नबिया है, फिर आपके साथ ऐसा वाक़या क्यों नहीं सुनने पे आप कि किसी सहाबी ने आपका दीदार किया उंगलियां कटवा ली। तो हुजूर ने फरमाया आयशा सिद्दीक़ा हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपने खेल में इंतकाम पाया और नकाब होना करते थे, नकाब के बाहर नहीं तशरीफ लाते थे और नकाब हटाया तो फिर क्या हुआ, औरतें पदा हो गई, नकाब हटाया औरतें विदा हो गई। अब जब औरतें पदा हुई तो वो तो एक पर्दा अपने चेहरे पर रखते थे ना, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे चेहरे पर एक पर्दा नहीं है 70,000 पर्दे, एक नहीं वरना 70 100 भी नहीं भाई 70,000 पर्दे हो रखे और फरमाया असल हुस्न अबू बकर सिद्दीक़ ने भी नहीं देखा, उमर फारूक ने भी नहीं देखा, किसी सहाबी ने हुजूर का असल हुस्न नहीं देखा, असल हुस्न देखा और मैं जब मेरा खिलाफ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया प्यारे आज सारे पर्दे 70,000 हटा गए, क्योंकि दुनिया वालों के अंदर ये हिजाब ये ताकत नहीं है ज्यादा हो गया। बताया कि आशा पिता देवा तारा अभी एक पर्दा हटाया है, एक पर्दा पड़ा है, एक पर्दा हटाया है और उसकी वजह से ये सारा कमरा जब मंगा रहा है। एक पर्दा हटाया, 70,000 पर्दे नहीं हटाए और उसने बताया कि अगर मेरे चेहरे से चंद पर्दे, 70 नहीं चंद पर्दे हटा लिए जाए तजल्ली आसमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुकून की तजल्ली से जमीन निकल जाएगा, आसमान असल नूर को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नूर मुस्तफा है, ये नूर मुस्तफा है कि वो असल उसल को जमीन भी वो ताप बर्दाश्त ना कर सके, आसमान उसकी ताप को बर्दाश्त ना कर सके। ये नूर मुस्तफा की जगत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो असल क्या हुआ? पर हमने बात कर सी पर भाई आपको जो की बात कर रहा है उसका अंदर की जरूर बड़ा करें। आप पर भी किताब पर भी जो एक इमाम की सीधा दूसरा शरीफ जो पढ़ता है ज्यादा, अगर आप इसको वजीफा बना लें और आप इसको वजीफा बना लें, वली बन सकते हैं। इस वजीफे को बनाने से आप वली बन सकते हैं, क्योंकि लिखने वाला कोई आम नहीं है, इमाम बसीरी है। और वो इमाम बसीरी जो बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने बादशाह के जब बारिश हुआ मिस्र के अंदर है, और जब बारिश हुआ तो फिर उस समय क्या हुआ? जब बारिश हुआ अतीफा ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस बन चुका है, अब बारिश हो चुका है। उस वक्त अलाद के पास नहीं था, अब उनकी शान ने कसीदा लिखा है। कसीदा लिखते 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 सो गए आप में हजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ और उन्होंने फरमाया इमाम बसीरी जो कसीदा लिखा वो मुझे सुना। अब वो आप में कसीदा सुनाया था जिस जिस्म पर बारिश था, हजूर अलैहिस्सलाम ने उस पर हाथ लगाया और वो जिस्म भी ठीक हो गया और वापस हजूर अलैहिस्सलाम को जन्नत की अता फरमाई। इसलिए कहते हैं कसीदा होता इसमें आए, मतलब क्या चंदन वाला कसीदा इसलिए कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को जाते हुए ये कसीदा मुतशीर है। ये कसीदा मुतशीर इमाम हुसैन का खुदा इदारे मिस्र के अंदर है और बड़ा करें और काबिल है और वसीफा है। और आप जितने भी मदारिस में जब हदीस पढ़ाई जाती है तो हदीस के इब्तिदा में भी कसीदा मुतअस्सिर से शुरू किया जाता है और इब्तिदा पर कसीदा मुतअस्सिर। और जब हम हदीस की तुलना में उस वक्त हदीस की जितनी भी किताब शुरू की जाती थी तो इब्तिदा भी उस्ताद की कसीदा और देवती शरीफ का एंड भी कसीदा मुतअस्सिर पर बुखारी शरीफ के उस्ताद की इब्तिदा कसीदा से। और अल्लाह ताला की सके मदद फरमाए इंशाअल्लाह।